घर से निकला तो मैं अकेला था यार, बट मेरे को देखकर एक और अपना दोस्त है जो आ चुका है, बट देखती है कितना समय वो अपने साथ चलता है। फिलहाल कल रात हमने इधर अपना पेट्रोल पंप के पास टेंट लगाया था और इधर में ही अपनी सारी रात तक गुजार दी थी। फिर सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, खाना पीना हो चुका है और अपना सामान भी सारा पैक हो चुका है जी। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम है मनिंदर, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मनी बैकपैकर जी। तो सामान अपना सारा रेडी है। आज हमने ना दो काम करने हैं यार, एक तो ये अपना ये वाला ब्लैक बैग है ना, ब्लू वाला, इसको अपने भेजना है घर वापस, एंड दूसरा आज हम आपको गोवा घुमाएंगे। तो अपना दोस्त आ चुका है, नया दोस्त शक्ति, हरियाणवी ट्रैवलर है। तो भाई ये कल रात ही ट्रेन से उतरा है इधर में, और ये रही इसकी साइकिल, इसकी शहजादी जो इसका साथ देगी। पर ये सामान बहुत ज़्यादा लेकर आया यार, पता नहीं ये कब तक अपने साथ चलेगा, कितना अपने साथ चलेगा, ये कहना मुश्किल है। बट फिलहाल हमारा तो तय है कि हम तो लंबा सफ़र तय करेंगे। तो पहले हमने आज पोस्ट ऑफिस जाना है, अपना बैग है जो अपने घर भेजना है, एंड दूसरा फिर हम गोवा की और सैर करेंगे। तो ये था जहाँ पर हम रुके थे, नहाना धोना फ्रेश हो चुका है और अपने सामने भाई जी हैं जिन्होंने हमें जगह दी थी। भाई एक बार हेलो कर दो, स्कूटी रेंट का बता दीजिए। ये भाई हैं सारे जिनकी ये सारी प्लेस है और इन्होंने अपने को रहने के लिए इधर में रात जगह दे दी थी। और रात हमने कपड़े भी धो दिए यार, मैं डे बाय डे अभी कपड़े धोने भी लग गया सारे, एंड मज़ा आता है। एंड बहुत सारे कपड़े ना मैंने घर वापस भेज दिए, मैं कहा जरूरत नहीं है, अभी पता लग गया 10 दिन में कि क्या हमने पहना है क्या हमने नहीं पहना। तो इसमें ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 4-5 kg का वेट होगा जो अपना घर वापस चला जाएगा। ये वाले लाइट से हैं तो अपना साइकिल भी अच्छा स्मूथली चलता रहेगा। तो चलो चलते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। तो चाय ढूंढते हैं, चाय बनी पीते हैं, फिर आपको आज हम कौन सी बीच घूमने जाएंगे? आरंबोल बीच है, इधर की फेमस है, और आरंबोल है जो नॉर्थ पार्ट है और नॉर्थ से साउथ तक जाएंगे। तो हाँ, गोवा का मेन टेस्ट पीसफुली उधर में देखने के लिए है। तो देखेंगे, मैं भी, मेरा पहली बार है गोवा में, इसका तो दूसरी तीसरी बार है, ये तो आवारा आता ही रहता है हमेशा। तो ठीक है, एंड चलते हैं अपने सफर की शुरुआत करते हैं। आपको बताया ना कि महाराष्ट्र हमने घूमा, महाराष्ट्र के बाद हम गोवा में एंटर हो चुके हैं। और महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादातर आपको पता है कि हिंदू रिलीजन के ज़्यादातर लोग थे, और जब हम महाराष्ट्र के कॉर्नर पर आ रहे थे तो ज़्यादा मुस्लिम धर्म के लोग हमें दिखाई दिए। बट जब हम गोवा में एंटर हो गए, इधर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है। आपको पता ही है यार, पहले इधर में पोर्चुगीज़ का, पुर्तगालियों का राज रहा है, तो उनकी वजह से इधर में बहुत सारी हमें क्या कहते हैं, इनके मंदिर देखने के लिए मिल जाते हैं, चर्च देखने के लिए मिल जाती है। गोवा ज़्यादातर फेमस है अपनी बीचेस के लिए, अपनी नाइट लाइफ के लिए और खूबसूरती के लिए, है ना। तो हम 2-3 दिन इधर में रुकने वाले हैं, तो 2-3 दिन में जितनी चीज़ें हम कवर कर पाए उतनी चीज़ें हम देखेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई आपने महाराष्ट्र आए, आप महाराष्ट्र अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। बट भाई मेरी भी मजबूरी समझो, मैं सिर्फ 5-5, 6-6 दिन एक स्टेट में लगा के जा रहा हूँ। अगर मैं एक स्टेट में ही 20-20, 25-25 दिन रुकने लग गया, हर एक चीज़ कवर करने लग गया, तो अगली बार के लिए मेरे पास क्या बचेगा? अगली बार के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ताँ जो हम दोबारा उस स्टेट में आ सके। अभी भी अपना महाराष्ट्र का नासिक वाला एरिया रहता है, जो बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम फिर कभी कवर करेंगे। ट्रैकिंग वाले एरियाज हैं, वो फिर कभी देखेंगे। अगर एक बार में ही सारा देख लिया तो दोबारा कौन आएगा भाई इधर देखने के लिए? तो ये भी बात होती है ना, थोड़ा सा आप चीज़ें भी समझा करो। और फिलहाल इधर मैं रुका हूँ अभी 2 मिनट के लिए, क्योंकि यार ज़्यादातर गोवा जो एरिया है ना, मैं जहाँ पर अभी मैं हूँ, ये थीवम वाला एरिया है, तो आरंबोल बीच की ओर जा रहे हैं। ये सारा मेरे को लगता है ना पहाड़ी पे बसा हुआ एरिया है, कभी पहाड़ आ जाता है कभी नीचे आ जाता है, तो धीरे धीरे करके जाना पड़ रहा है हमें। और देखते हैं क्या माहौल बनता है। अभी अपना दूसरा भाई तो उसने पहली बार, आज फर्स्ट डे है उसका साइकिलिंग का, दिख ही रहा भाई दूर दूर तक, पता ही नहीं कहाँ पर है, पीछे धक्के खा रहा है, पता नहीं, मेरे को फ़ोन कर रहा है कि रुक जा भाई, मेरी सांस चढ़ गई। मैं क्या, ठीक है भाई, मैं उसकी वेट कर रहा हूँ अभी, एंड आता है फिर आगे की निकलते हैं हम। अभी कोरियर की दुकान भी ढूंढ रहा हूँ, अपने रास्ते में ही है, और कोरियर भी इसी बहाने अपना हो जाएगा घर वापस। क्या भी हरियाणा की छोरी। बैड बज गई भाई इसकी, बेचारे को चल ही नहीं रहा यार इसका। करते हैं अभी इसका साइकिल ठीक करते हैं, क्योंकि कल रात ही हमने इसका डब्बे से निकाला है और बेचारे का ये हैंडल बाहर निकल कर आ जाता है। ओहो क्या यार। लो जी, गर्मा गर्म चाय पीने का समय हुआ है अभी, एंड थोड़ी सी ब्रेक ली है हमने,
सोचा चाय पानी पी लें, क्योंकि सुबह की चाय नहीं पी, चाय के बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं होती। और ये भाजी है, अपने भाई ने मंगवाई है, तो ये खाएगा भाजी, हम पियेंगे चाय। ये जो अभी एरिया से हम गुजर रहे हैं, ये गांव का एरिया है सारा, और बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है। ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है, बट पुराने पुराने लोगों के घर हैं जो देखने के लिए मिल रहे हैं। ज़्यादातर घर इधर में पोर्चुगीज स्टाइल में बने हुए हैं। और अभी हमने अपना बैग एक भेज दिया है ना, तो यार बड़ा ज़्यादा लाइट चल रहा है, और ज़्यादा इधर में है ना होटल और विलास ज़्यादा बने हुए हैं। आपको पता ही है, गोवा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक किनारे पे अपने को चर्च देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि पहले पोर्चुगीज समा था, तो उस समय वो लोग क्रिश्चियन थे, है ना। अभी भी वही लोग क्रिश्चियन हैं, बट इधर में मेजोरिटी ऑफ पीपल अभी भी क्रिश्चियन रहते हैं। इधर में खाने पीने की ना बहुत ज़्यादा समस्या है यार। अगर हमको खाने पीने की प्लेट मिलती भी है तो 200-250 रुपए से कम कहीं पर भी मिलती नहीं। कोई कोई ये शॉप मिलेगी जहाँ पर हमें 150 रुपए का खाना मिल जाएगा, जिसमें राइस और 2-3 रोटियां होंगी, इससे कम का है ही नहीं। गोवा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, तो यार ना चाहते हुए भी हमें क्या कहते हैं बड़ा पाओ और इस जगह पे आना पड़ रहा है, मतलब ये वाली चीज़ें खानी पड़ रही है। मैं अवॉइड कर रहा था ये चीज़ें खाने पे, क्योंकि इसमें मैदा ज़्यादा पड़ा होता है ना अंकल जी, मैदा होता है, और जो अपने लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है अपनी सेहत के लिए। बट खैर कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा अपना बजट भी हमने मेंटेन करके चलना है। 30 रुपए की प्लेट मिल जाती है, 4-5 बड़ा पाव खा लेंगे, 50 रुपए का है 10 का, ये 30 का लगा 10 का जी, 30 में जी ऐसा 40 का ये बन गया है, और एक दो और खा लेंगे तो 50 का अपना पूरा पेट भर जाएगा इसमें। देखो सामने गोरे है ना, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। इधर में एक मंदिर बना हुआ है रोड के ऊपर, ऊपरी पहाड़ को काट कर रोड बनाया गया, स्पेशल गाड़ी रोक कर भाई प्रणाम करने के लिए गया लोग। इतने ज़्यादा ये स्पिरिचुअल होते हैं ना, मतलब भगवान को मानने वाले होते हैं, कुछ 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 तो बहुत हरामी होते हैं। तो जनाब ये इधर की लोकल मार्केट है, बड़ी ज़्यादा हलचल है इतनी धूप के बीच भी, और सामने की ओर हमको ये बीच वाला एरिया देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी हमने उस तरफ जाना है, पहले अपना साइकिल हमें पार्क करने के लिए जगह देखनी है, कोई अच्छी सी सिक्योर और अच्छी सी देखनी है, एंड फिर घूमेंगे हम ये बीच वाला एरिया सारा। और इधर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट है देखने के लिए, वो भी फिलहाल देखेंगे हम बाद में। वो देखो सामने आ रही है हरियाणा की छोरी आ रही है। ओहो ये बेचारे की बैंड बज गया, साइकिल चला चला के अब पहाड़ी से चढ़ी नहीं जा रही भाई, इसका जा तो साइकिल नहीं साथ दे रहा, जा पहाड़ी नहीं चढ़ी जा रही, इससे धक्के लगा लगा के लेकर आ रहा है। भाई मेरे से महंगा साइकिल है, 50,000 का साइकिल है, मेरा तो फिर भी 15-16 पता नहीं कितने का आया था, इसका तो 50,000 का साइकिल है, फिर भी नहीं इससे चल रहा है। इसका भाई साइकिल ही टूट रहा है। ओहो तेरे 50,000 लगाया, फेंक दे इसको समुंदर में, अरब दरिया में फेंक दे चल। वेलकम टू आरंबोल बीच जी, ये वो बीच है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है गोवा की, और सबसे ज़्यादा शांतमयी है। अपने देसियों वाला माहौल नहीं है इधर में, ज़्यादा अंग्रेज लोगों का माहौल देखने के लिए मिलता है, और ज़्यादातर इधर में रशियन लोग आकर अपना समय जो व्यतीत करते हैं। ये जो बीच है सबसे ज़्यादा फेमस है अपने सनसेट के लिए, सनसेट और सनराइज के लिए, इधर से देखना बड़ा खूबसूरत लगता है, तो हम शाम को वो भी देखेंगे। तो जनाब पेश है आपके सामने आरंबोल बीच, ये वाला सारा इलाका है ना जो आरंबोल बीच का एरिया है ये, और सबसे पीसफुल बीच मानी जाती है ये गोवा एरिया की। इधर में ज़्यादातर आपको गोरे देखने के लिए मिलेंगे, अपने जैसे देसी कोई नहीं देखने के लिए मिलेगा, मतलब इंडियन की इधर में तादाद कम होती है, और जो रशियन रूसियन होते हैं ना इधर में ज़्यादा ही मिलते हैं देखने के लिए। ये बीच है जो मशहूर है अपने सनसेट के लिए, लोग इधर में सनसेट देखने के लिए आते हैं, अपने जैसे लोग जो मतलब अपने घूमने के लिए आते हैं ना, अपने इंडिया के लोग ज़्यादा इधर वाली साइड, और वो बाघा बीच पर जाते हैं, आरंबोल बीच पर कम आते हैं।
और इधर में ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है और साफ़ सुथरी सी बीच है। तो इसके नज़ारे लेते हैं, सामने है अरब सागर, सारा अरब सागर के नज़ारे लेते हैं, क्योंकि अरब सागर अपना शुरू हो गया था बम्बई से। वैसे तो गुजरात से शुरू हो जाता है ये, बट अपने लिए ये बम्बई से शुरू हुआ था। और बम्बई में हम आपको बताएं यार, इसके अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि क्या था, उधर में पानी गंदा था ना, ओ तेरी। बट इधर वाला पानी है ना जो बड़ा ही साफ़ सुथरा सा है, तो हम एक बार ज़रूर अपने चरण जो अरब सागर से धोएंगे। एंड माहौल अच्छा है यार, देखो चारों ओर इस तरह का माहौल है भाई, ये देख लो छोटे छोटे गोरे क्या कर रहे हैं। ये बच्चों की खेल सबसे अच्छी होती है ना, कुछ भी खेलते रहते हैं इधर। हम भी ले चले अपने पैर अरब सागर की ओर, वाह 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 वाह। हम भी टच करके देख ले यार इसको, ओ आजा आजा आजा, ओहो वाह यार। कि अगर इस बीच के ऊपर आप आते हो ना, तो बड़ी ही शांति आपको मिलेगी। और छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो यार, कैसे खेलने लग रहे हैं ना, अपनी धुन में मस्त हैं यार। बाकी गोरे गोरियां तो मज़े ले रहे हैं भाई, गोवा के गोवा वाली बीच पे फोटो मेरी खींच दे। बाकी आप फन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो ना, ये गाड़ी भी चलती है समुंदर के बीच, और बाकी वो किश्तियाँ कुश्तियाँ नाव नू भी चलाने लगे हुए हैं। बाकी माहौल है जो आपको बड़ा ही अच्छा देखने के लिए इधर में मिल जाएगा। शक्ति अपना कहता है एक बीच का अच्छी तरह से पैमाना ले ले, चक्कर लगा ले, फिर हम अरब सागर के अंदर डुबकी लगाएंगे। इधर में ज़्यादातर जो लोग हैं ना गोरे हैं, बहुत लंबे समय तक आकर रुकते हैं। अपने वाले तो जो घूमने आते हैं ना इंडिया के लोग है? तो वो हफ्ता पाँच दिन रह के चले जाते हैं, बट गोरे हैं जो इधर में महीने महीने दो दो महीने के लिए छः छः महीने के लिए लोग रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपना वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं तो इधर रहते हैं ना। बाकी जो रशिया के लोग हैं ना, उनकी ज्यादा पॉपुलेशन इधर में देखने के लिए। एक चीज और बताता हूँ भाई, आप यहाँ पे तंग हो जाओगे इतने गोरे। दूसरा पता क्या, गोरे यहाँ पे ऐसे भी है भाई, आपको कहीं कुछ खिला पिला दो आप खुश हो जाओगे, अंग्रेज हवाई खिला देते हैं, पर तुम्हें भाई पता नहीं सुबह भी ऐसे करते हो शाम को भी, और पता नहीं कितने साल रुक जाते इधर। वो छोटी सी लेक बनी हुई है देखने के लिए, अपने को तो पता ही नहीं था। ये आवारा भाई पहले घूमने के लिए आया हुआ है, तो इसने ढूंढ के रखी हुई है, एक स्वीट वाटर लेक है बोलते हैं, पानी भी उसका साफ़ सुथरा है एंड कि अच्छी भी है देखने में ना, तो लोग उधर में मड बाथ वगैरह लेते हैं, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। बाजार के बीच से निकलती है एंड सामने है नज़ारा अरबिक ओशियन का एंड ये वाली बीच। मैंने ज़िंदगी में सब कुछ करके देख लिया, एक इस चीज़ की तमन्ना अभी भी है ना बाकी है, और करेंगे यार कभी बीर बिलिंग में करेंगे, जिसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। ये तो छोटे छोटे से पॉइंट है, उधर में करेंगे हम यार, बड़ा मज़ा आता है यार इसको करने में। वाह यार, समुंदर के किनारे किनारे कर रहे हैं, ये देखो सीधा नीचे उतारेगा भाई। अभी पास में अरबिक ओशियन और इधर में उतारेगा ये। अच्छा क्या बात है सर, ये चीज़ की तमन्ना रह गई है दिल में, करेंगे ये भी पूरी कभी यार। तो ये अपने कुछ अपने दोस्त मिले हमें इज़राइल से। चल हाय हाय टू कैमरा ब्रो, हाय टू कैमरा। तो ये इज़राइल से हैं, तो ये गेम खेलने लगे हुए हैं। हु वॉन द गेम? वाओ कॉन्ग्रेट्स, ये बेटर, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो ये गेम खेलने लगे हुए हैं यार। व्हाट यू कॉल दिस गेम इन योर लैंग्वेज? ओके। तो ये गेम है यार, हम भी खेलते थे, जीरो काटी बोलते हैं हमारे तो उधर,
जीरो क्रॉस जीरो क्रॉस लाइक दिस ना यू प्ले जीरो क्रॉस हाँ प्ले लाइक यू नो दैट यू सपोज टू डू फोर इन अ रो जीरो क्रॉस इज लाइक दिस हाँ हाँ या यस 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 यू नीड टू डू फोर एंड इट्स लाइक ओके okay 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 usually, it's also zero cross na the yeah, signs usually it's like with colors okay okay just digit because you have no colors okay nice meeting you bro bye bye beach ke kinare par hi ek mud bath lene ke liye place bana hua hai to ye kisi ki private property hai aur gore log ya apne india ke log idhar mein mud bath lete hain aakar mitti ke andar nahate hain na तो मैंने तो कभी ज़िंदगी में ली नहीं है ट्राई करते हैं इधर में कैसा सीन होता है कैसा माहौल रहता है तो लेट्स सी हाउ इट गोस ये जो अभी मैं नहाया था जहाँ पर इसको बोलते हैं स्वीट वाटर लेक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर बनी हुई है नहा लिया हमने भी थोड़ा सा हम भी इंजॉय कर लिया मैं कहा गोवा वाली बीच पे फोटो मेरी खींच दे हम भी इंजॉय कर ले तो फिलहाल बीच का नज़ारा कुछ इस तरह का है मैंने आपको बताया कि ये बीच है सबसे फेमस अपने प्यारे से सनसेट के लिए तो अभी सनसेट होने वाला है और माहौल भी खूबसूरत होता ही जा रहा है इधर शक्ति भाई उनको थोड़ा बहुत सुझाव देता हुआ कि इंडिया में आपको कैसे रहना है कैसे घूमना है कैसे आपको लोग होस्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बताने लग रहा है देखो ना इधर में ऑस्ट्रिया का एक गोरा मिला है से हेलो नमस्ते इंडिया तो यार इन्होंने इतने ज्यादा ना टैटू बनाए हुए हैं अच्छा लगा ओ गणेश जी ओ वाह यार जय हो गणेश भगवान जी ओ माता जी की माता यस यस वाह यू लाइक इंडियन कल्चर यू लाइक अ लॉट ओ वाह यार कितने ज्यादा टैटू बनाए हुए हैं भाई इसने पैरट्स ऑफ द कैरेबियन ओ वाह ये चाचे की मेरे को गर्लफ्रेंड लग रही थी वो बंदूक बनाई हुई है इसने और दूसरी लात पे क्या बनाया हुआ ए गर्लफ्रेंड योर गर्लफ्रेंड ओ वाह यार पट ते ही बनाई हर दावत अंदर दा ए नाइस मीटिंग यू पीछे क्या है ये क्या है शेर ओ वाह टाइगर टाइगर पिछवाड़े में बना रखा होगा ठीक है ठीक है खाने पीने में छोटी है बट मैंने कभी देखी नहीं है ये उसके अंदर है ना हॉट डॉग बोलते हैं हमारे तो नॉर्थ में उसके अंदर ही समोसा घुसा दिया भाई ने क्या बोलते हैं भाई इसको डिश को क्या नाम है समोसा सैंडविच वाह यार देखो हाँ नई नई चीजें देखने के लिए मिल रहे हैं जैसे जैसे मेरे को लगता है साउथ की ओर हम घूमेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी चेहरे पे चार सितारे लग गए हैं भाई कसम से आज हमारा पता नहीं गुड लक अच्छा है पता नहीं क्या है ना मैं मतलब गोवा जैसे शहर के अंदर वो भी हॉस्टल के अंदर है ना मतलब लोग रहते हैं इधर में आके पैसे दे के रहते हैं हमको फ्री में रहने के लिए दे दिया यार कि अपना कैंपिंग टेंट लगाओ इधर इधर मज़े से आप रह सकते हो तो फाइनली अपना कैंपिंग टेंट लगाते हैं एंड फिर मिलता हूँ आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पर अपना कैंपिंग टेंट लगाया है यार सामने लग चुके हैं जी अपने कैंपिंग टेंट एंड जगमगा रही हैं लाइटें अपने कैंपिंग टेंट के पास और इधर में अपना हॉस्टल यार नमस्ते हॉस्टल है कोई भी आए तो इधर में ज़रूर रुकना यार अपनी हेल्प की है इन लोगों ने रहने के लिए एंड आज की रात इधर गुजारेंगे हम एंड ये सारा माहौल है जो भी बातें होंगी फिर करते हैं थोड़े समय के बाद एक रोटी आंटी थाली में रोटी नहीं लास्ट थी तो जनाब अपना बढ़िया वाला खाना पीना भी हो चुका है एंड फाइनली हम अपने टेंट के अंदर आ चुके हैं यार और गोवा के अंदर आज अपना पहला दिन था तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उम्मीद करते हैं आपको अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कमेंट करते जाना और आने वाले ब्लॉग्स में गोवा की धीरे धीरे और भी चीज़ें हम देखते जाएंगे
क्योंकि ऐसा है कि मेरा पहली बार है, तो जब बंदे का पहली बार होता है ना तो बंदा अच्छी तरीके से उसको देखने की कोशिश करता है धीरे धीरे से, है ना। तो हम धीरे धीरे से सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे। फिलहाल भगवान की कृपा अपने ऊपर सच में यार बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि हर रोज़ अपने को रहने के लिए अच्छी प्लेस मिल जाती है, और हर रोज़ रहने के नहाने के लिए भी हमें अच्छी जगह मिल जाती है। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यार गर्मी वाले इलाके में घूम रहे हैं, सुबह शाम नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और कपड़े भी धोए जाते हैं इसके बहाने अपने। तो ये सारी बातें हैं जी। एंड खाना ना थोड़ा सा मैं खाना अच्छा नहीं था आज, क्या कहते हैं, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में पहुंचा ना, तो वो रेस्टोरेंट क्लोज़ करने वाले थे, तो उनके पास वो जो मतलब ठंडा पड़ा था लास्ट पे वो दे दिया। बट उन्होंने ट्राई तो किया गर्म करने का, बट उतना गर्म नहीं हुआ। फिर मैंने खा लिया मन मान के, मैं कहा यार मनी भूख लगी है, नखरे नहीं किया करते, पेट ही भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने खाना भी खा लिया। तो सुबह मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय जी, दीजिए इजाज़त, सुबह मिलेंगे।